अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारी जो तितली अंडों में बैठी थी आज उसने बच्चे निकाल दिए। आप देखना ये कि कितने अंडे इसने ख़राब किए और कितने बच्चे निकाले। ये टोटल 8 अंडों पर बैठी थी, मैंने वीडियो में आपको पहले भी दिखाया था, 8 अंडों पर बैठी थी। अब बच्चे देखते हैं कितने निकालें और फिर इनको जो है छोटे से पिंजरे में डालेंगे और इनके पहले अंडे चेक करते हैं कितने अंडे ख़राब हैं। तो ये छिलके पड़े हुए हैं थोड़ी, इसके घोंसले के ऊपर इसने मट्टी भी डाल दी है, तो इसमें तो हमें जो है अंडा कोई साबित नज़र नहीं आ रहा। हमने बच्चे भी अभी तक नहीं गिने, इसमें देखते हैं कोई अंडा साबित अगर मिल जाता है तो उसमें से पता चल जाएगा, क्योंकि 8 अंडे हैं, अगर एक अंडा या 2 अंडे खराब है तो बकाया बच्चे निकले होंगे ज़ाहिर है। तो ये सामने बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, 3 और 2, 3 और 3, 6 बच्चे नज़र आ रहे हैं हमें। एक अंडा हमने उठा लिया है, एक अंडा ही हमें मिला है इसमें से, बाकी सारे 7 बच्चे निकल चुके हैं। 7 छिलके मिले हैं, एक अंडा साबित मिला है। इसको तोड़ के देखते हैं, हो सकता है इसमें बच्चा हो, निकल ना पाया हो या इस वजह से कोई मसला हो, तो देखते हैं इसके में अंदर पानी है या बच्चा बन चुका है। तो इसको हम थोड़ा आस्ता तोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम तोड़ेंगे तो बच्चा होगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा आस्ता तोड़ के देखते हैं। अगर बच्चा है तो उसको फिर निकालते हैं साबित तरीके से, अगर नहीं इसमें पानी है, ये देखो भाई ये ख़राब हो चुका है, ये अंडा एक ख़राब है, बाकी 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं। अल्लाह का हुक्म से हमारे पास जोड़ी दखनी थी, पहले इस मादी ने बच्चे अंडे भी तोड़े थे आगे पीछे, उसके बाद ये बैठ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने 7 बच्चे निकाले हैं। तो अब इनके लिए हम बंदोबस्त करते हैं खाने पीने का। सबसे पहले इनको जो है पानी देना चाहिए, मीठा पानी, ताकि इनकी जो मैदा वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट भी अगर ले लेते, घूंट भी बड़ी बात है, खाली मुंह में हल्का सा जाएगा चीनी वाला पानी, तो फिर ये जो बच्चे हैं इनका जो अंडा है इनका जो पेट है साफ़ हो जाता है, उसके बाद हम इनको फौरी खुराक दे सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं 24 घंटे के बाद देना चाहिए, अगर आप फौरी भी दे देते हो, मैं तो भाई खुद फौरी दे देता हूँ, पर उससे पहले मैं ये काम करता हूँ कि इनको थोड़ा थोड़ा मीठा पानी अगर मुँह से पी लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पीते तो ज़बरदस्ती भी थोड़ा थोड़ा मुँह में इनको मुँह जो है डुबोता हूँ हल्का सा थोड़े से पानी में, ताकि इनके मुंह में थोड़ा सा पानी चला जाए मीठा, इनका जो मैदा है वो साफ़ हो जाए। तो ये खुद नहीं पी रहे हैं तो ये मुझे हाथ से पिलाना पड़ेगा इनको, उनके बाद में इनको कीड़े भी खिलाऊंगा, और इनके लिए कीड़ों के लिए बंदोबस्त कर लिया है। बच्चों को मैंने भेज दिया गोबर में से, कीड़े लेने के लिए चले गए हैं, क्योंकि हमारे पास गाँव वाला मॉल है, हमें तो कीड़े बनाने की तकरीबन ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास बने बनाए मिल जाते हैं। लोग गोबर जो है जमा कर देते हैं, तो जो घीली गोबर होती है उसमें खुद ब खुद कीड़े बन जाते हैं, फिर वो गोबर वाली जगह पे जो है बच्चे भेजते हैं हम, यहाँ खुद चले जाते हैं, फिर वो गोबर से वो कीड़े लेके आते हैं। और ये कीड़े इनके लिए बेस्ट खुराक है, अच्छी खुराक है, कोई भी तितर हो, काला तितर हो या दखनी तितर के बच्चे हों, बच्चों के लिए बेस्ट है। तो ये देखें भाई कीड़े भी आ गए, बने बनाए कीड़े हमें मिले हैं गोबर में से, देखो ये कितने कीड़े हैं। और ये कीड़े मैंने इसको छोटे पिंजरे में लगा के इनको कीड़े दे रहे हैं, और ये देखें तो अभी तकरीबन इनको 3 से 4 घंटे हुए निकले हुए अंडे में से, और ये कीड़े खाना भी शुरू हो गए हैं, मादा इनको खिला रही है, क्योंकि कीड़ों में पानी भी होता है, पानी इनको नहीं देना, ये याद रखना है आपको, पानी नहीं देना छोटे बच्चों को, सिर्फ ये कीड़े ही देने हैं। कीड़े इनके लिए बेस्ट खुराक है, अगर खुश्क खुराक देते हैं तो फिर तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप इनको कीड़े देते हैं तो कीड़े में पानी भी होता है, उनके पेट भी भर जाता है विटामिन।